मैडम कप्तान मैडम के पास जाएंगे बता रहे। बीच सड़क पर मुंह ढककर लूट की आप बीती सुनाती, इस महिला को देख धोखा मत खाइएगा। ये महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि शहर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम है, जिन्होंने फिल्मी अंदाज में लूट का ये पूरा नाटक रचा, वो भी इसीलिए ताकि ये जान सके यूपी पुलिस कितनी मुस्तैद है। हम आपको पूरा मामला बताएं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर देखिए ये वायरल वीडियो। अरे भाई साहब, ये सब लोग हमें बताएं कि कप्तान मैडम ये जानकारी की माने तो मामला यूपी के औरैया का है और मुंह ढककर खड़ी ये महिला एसपी चारू निगम है। एसपी चारू निगम ने एक आम नागरिक बनकर ये पूरा नाटक किया। बता दें, पुलिस अधिकारी पहले एक आम महिला बनी और फिर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 112 को फोन कर अज्ञात व्यक्तियों की झूठी लूट की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आई और सारी कार्रवाई की। उधर इस पूरे मामले की बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। अरे यहाँ कहीं पे, यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन इस वायरल वीडियो के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इस पूरे वीडियो का बिहाइंड द सीन दिख रहा है, जिसके बाद मामले में काफी हद तक चीजें साफ हो गई। वही दूसरे वायरल वीडियो को देख लोगों ने दावा किया कि ये सब स्क्रिप्टेड है, जिसके बाद अब इस वायरल वीडियो पर लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन भी दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली इतनी भी खराब नहीं है कि तीसरे दर्जे की स्क्रिप्ट और उससे भी बुरा शूट और एडिट से भरोसा दिलाने की कोशिश की जाए। आज पुलिस रिफॉर्म और उच्च श्रेणी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, न कि एक्टिंग की। फिलहाल मामले में अब तक पुलिस अधिकारियों की तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया गया है। ऐसे में कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जाएंगे बता रहे। अरे ये खानी है प्लास्टिक चौकी पीछे। आइए भाई साहब, हमें ले आए हैं ये ब्राउन कलर का पर्स, इतना बड़ा से लटका है, तो मांग लिए उसका नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।